हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है पैरोक्सीजोम। पैरोक्सीजोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइसोजोम से वो कैसे अलग होता है, और उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से वो फंक्शन परफॉर्म करता है हमारे सेल के अंदर। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। तो पैरोक्सीजोम देखते हैं क्या है। पैरोक्सीजोम जो है एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसमें एक ही मेम्ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट होगी। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये आपके एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल में पाया जाता है। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन रेडियो इन 1967। तो क्रिश्चियन रेडियो ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था कब, 1967 में। मेजरली फाउंड इन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स लाइक लीवर एंड किडनी सेल्स। तो आपके जो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स होते हैं लीवर किडनी को, इनके सेल्स में आपका क्या होता है, पेरोक्सिज्म ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। शेप इसकी कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। इसका साइज जो होता है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होगा डायमीटर में। ये साइट होती है सिंथेसिस की और डिग्रेडेशन की, किसकी, H2O2 यानी कि हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जो कि एक हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये इसको क्या करेगा, पहले बनाएगा, फैटी एसिड को जब तोड़ता है तो आपका H2O2 भी प्रोड्यूस होता है, तो H2O2 बनाएगा, और साथ ही साथ आपका, क्योंकि हमारे सेल के लिए तो आपका आपका खतरनाक होता है, टॉक्सिक एजेंट होता है, तो उसको ये क्या करेगा, उसको तोड़ भी देगा, उसके बाद कन्वर्ट भी कर देगा वाटर ऑक्सीजन में। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारे पेरोक्सीजोम का होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। ये हमारा पेरोक्सीजोम है, ये बाहर आपको मेम्ब्रेन दिखेगी, ये मेम्ब्रेन होती है, इसको हम देखें तो ये लिपिड बायलेयर है, लेकिन मेम्ब्रेन कैसी है, सिंगल ही है, सिंगल मेम्ब्रेन होगी लेकिन लिपिड बायलेयर की होगी। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपके प्रोटीन्स देखने को मिल जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि अगर सेल के अंदर, इसके अंदर आपको पेरोक्सीजोम के अंदर कुछ आना है या इसके बाहर कुछ जाना है, तो आपका ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या क्या करेगा, इसको एक पाथवे देगा, एक रास्ता देगा, ताकि ये सेल आपके पेरोक्सीजोम के अंदर या कुछ बाहर इससे जा सके, मेम्ब्रेन से बाहर। इसके अंदर देखेंगे आप तो ये आपको दिखेगा क्रिस्टलाइन कोर, ये क्रिस्टलाइन कोर होती है जो कि लाइसोजोम में प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अंदर आपको एंजाइम्स देखने को मिल जाएंगे, ये जो एंजाइम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, जबकि लाइसोजोम में जो एंजाइम्स मिलते हैं वो कैसे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, लेकिन ये कैसे हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं। तो ये फर्क हो गया, क्रिस्टलाइन कोर आपको देखने को नहीं मिलेगी लाइसोजोम में, इसमें देखने को मिल जाती है, तो ये फर्क हो गया। लाइसोजोम में आपको मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखने को नहीं मिलेंगे, तो उसके अंदर कुछ अंदर बाहर नहीं जा सकता ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें देखने को मिल जाता है इसके, लेकिन मेम्ब्रेन में। तो ये फंक्शंस आपके, इसमें आपके डिफरेंसेस होते हैं लाइसोजोम से, अगर आप डिफर करेंगे तो इसको। इसके बाद आता है हमारा एंजाइम्स ऑफ पेरोक्सीजोम, कि हमारे पेरोक्सीजोम जो होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला एंजाइम कौन सा है आपके, वैसे पेरोक्सीजोम में ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अप्रॉक्स 60-70 एंजाइम्स अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमन एंजाइम्स हैं वो पढ़ लेते हैं, जिनके बेसिस पे हम आगे फंक्शंस में भी इनको देखेंगे। तो आपका एसाइल को एंजाइम, को एंजाइम ऑक्सीडेज हो गया, आपका कैटलेज एंजाइम हो गया, आपका फैटी एसाइल को एंजाइम रिडक्टेज हो गया, एल्डिहाइड रिडक्टेज हो गया, आपका एल्काइल डीएचएफ सिंथेसिस हो गया, आपका एल्काइल डीएचएफ रिडक्टेज हो गया, एक सिंथेस करवाएगा, रिडक्टेज रिडक्शन करवाएगा, उसके लिए होता है अल्कोहल ऑक्साइडेज हो गया, आपका फॉर्मल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज हो गया, 7-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हो गया, आपका यूरिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया, और आपका जैंथिन ऑक्सीडेज हो गया। तो ये सारे एंजाइम्स जो मोस्ट कॉमन एंजाइम्स होते हैं, जो कि मेजर इनके फंक्शंस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो फंक्शंस की बात करें हम पेरोक्सीजोम की, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसके। सबसे पहला फंक्शन है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, आपका फैटी एसिड का क्या करवाएगा, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, आपके जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होती है उनको तोड़ देगा और आपका कन्वर्ट करवाएगा, उससे क्या बनाएगा, एसाइल कोएंजाइम बनाएगा। देखिए कैसे, आपका फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसाइल कोएंजाइम में, ओके, साथ साथ इसमें H2O2 भी प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या होगा आपका, एसाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेज, ये एंजाइम इसमें यूज हुआ। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो बीटा ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस को हम बोलेंगे। अब इसके बाद हम बात करें सेकंड फंक्शन की, तो वो क्या है, हाइड्रोजन परोक्साइड डिटॉक्सिफिकेशन। तो H2O2 का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, तो आपका फैटी एसिड जब कन्वर्ट हुआ एसाइल कोएंजाइम में, उसके साथ साथ आपका H2O2 भी बनता है, तो उसको भी तोड़ना होता है हमारे पेरोक्सीजोम को, क्योंकि हमारे सेल के लिए वो हानिकारक होता है। तो उसको कैसे तोड़ेगा, हमारा जो H2O2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे वाटर में और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या होगा, कैटलेज, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसका आपका फंक्शन आता है लिपिड बायोसिंथेसिस। आपका पेरोक्सीजोम क्या करेगा, लिपिड की बायोसिंथेसिस भी करता है, मतलब कि लिपिड को भी बनाता है।
फॉर एग्जाम्पल आपका प्लाज्मा लोजन्स जो सबसे मेन कॉमन आपका लिपिड होता है कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड कोएंजाइम को टू प्लाज्मा लोजन बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें जो आपके असाइल कोएंजाइम होगा उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको मार्क करता हूँ मैं, असाइल कोएंजाइम कन्वर्ट किसमें करेगा, प्लाज्मा लोजन्स में। ठीक है, इसमें काफी सारे अलग टाइप के सीरीज होती हैं, तो उसमें आपका ये सारे एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं। तो ये सारे आपके एंजाइम्स इसमें यूज होंगे। कौन कौन से एंजाइम है ये, फैटी असाइल कोएंजाइम रिडक्टेज, एल्डिहाइड रिडक्टेज, अल्काइल डीएचएफ सिंथेसिस और आपका अल्कलाइल डीएचएफ रिडक्टेज, ये सारे आपके एंजाइम्स इसमें यूज होते हैं। किसमें, असाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करने के लिए प्लाज्मा लोजन में। ओके, अब इसके बाद हम देखें डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो आपके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको भी क्या करेगा, हमारे सेल के अंदर डिटॉक्सिफाई कर देता है ये। डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफाइंग वेरियस हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज इथेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो आपके जो इथेनॉल हो गया उसको फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जो अल्कोहल वगैरह हम कंज्यूम अगर करेंगे तो उसको भी हमारे सेल से हटाने का काम कौन करता है, पेरोक्सिसोम करता है। एंजाइम्स में कौन कौन से यूज होते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडेज, फॉर्मल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेस, ये इस तरह के एंजाइम्स में यूज करे जाते हैं ताकि आपकी बॉडी से इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब जो हार्मफुल सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो रिमूव हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी इसमें ही होती है, परफॉर्म होती है, या फिर सीड जर्मिनेशन जो प्लांट्स में होता है उसमें भी आपका ये पेरोक्सिसोम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। ये कन्वर्ट करता है फैट को इनटू कार्ब्स में, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिससे क्या प्रोवाइड करेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट क्या देंगे, एनर्जी देंगे। और रॉ मटेरियल के तो यूज होते हैं आपके जर्मिनेटिंग प्लांट्स के लिए, जो आपका प्लांट आपका जम सीड जर्मिनेटिंग करता है उसके लिए आपका एक रॉ मटेरियल होता है, कौन, हमारे कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा बाइल एसिड सिंथेसिस। तो हमारा जो बाइल एसिड होता है उसकी सिंथेसिस भी इसमें होती है। तो एंजाइम्स 7-alpha hydroxylase ये एंजाइम है, ये कैटलाइज करेगा हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फॉर्म 7-alpha hydrocholesterol। ये एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बाइल एसिड सिंथेसिस, आपका बाइल एसिड की सिंथेसिस के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है, कौन, आपका, मार्क करता हूं मैं, 7-alpha hydrocholesterol। ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट सब्सटेंस है। वो आपका कैसे बनेगा, 7-alpha hydroxylase आपका जो है ये एंजाइम है, ये यूज होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से आपका बन जाएगा कौन, 7-alpha hydrocholesterol, हाइड्रोक्सीक्रोस्ट्रॉल, लेकिन एंजाइम कौन सा यूज हुआ, 7-alpha hydroxylase। तो 7-alpha इसमें कॉमन है और कोलेस्ट्रॉल किसमें कन्वर्ट हो रहा है आपका, 7-alpha hydroxycholesterol में। ओके, तो आपका इसका नेक्स्ट फंक्शन आता है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, आपका प्यूरिन्स, प्यूरिन्स आपका एक तरीका आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, प्यूरिन्स पिरामिडिन्स, तो प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन भी करवाता है ये। एंजाइम्स में यूज होगा यूरिक एसिड ऑक्सीडेज और आपका जैंथिन ऑक्सीडेज, दोनों ही करते हैं आपके प्यूरिन को कन्वर्ट करते हैं, ये आपके कैटाबोलाइज करते हैं प्यूरिन्स को और आपके पॉली अमीनो एसिड्स को। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमारा छोटा सा लेक्चर था आपका पेरोक्सिसोम के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।